कल रात बहादुर और मैं इसी सड़क से जा रहे थे। उसके बाद मैं टॉयलेट करने चला गया। बहादुर यहीं खड़ा था और जब मैं टॉयलेट करके वापस आया तो अचानक अचानक देखा कि वो गायब हो गए थे। और फिर सर पनवाड़ी अंकल सर परवाड़ी अंकल आप लोग कहाँ हैं? मतलब कि अब बहादुर के साथ साथ कनवाड़ी अंकल और पांडे सर भी गायब हो चुके हैं। जो भी हो अब मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि इन सब के पीछे आखिर है कौन, ये सड़क छाप आखिर है कौन। अचानक क्या हो गया? बहादुर, पनवाड़ी अंकल, पांडे सर सब मुझे अकेले छोड़कर चले गए। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, बहुत अकेला बहुत अकेला। ये कैसा निशान है? ये निशान मैंने पहले भी कहीं देखा है। हाँ, जब बहादुर गायब हुआ था तो वहां भी ऐसा ही एक निशान था। और धीरे धीरे पानागढ़ के सारे लोग गायब होते जा रहे हैं। कहीं इन सब गड़बड़ के पीछे इस निशान का तो हाथ नहीं? स्वागत है तुम्हारा इस काली दुनिया में। यहाँ हर एक चीज काली, चाहे हो दिन या फिर दिवाली। मन में हो लोभ अगर तो खेलते रहना ये खेल जिंदगी भर। अगर लड़ गए आपस में तो तुम अंधेरे के बस में है। नेक इरादे तुम्हें देंगे तुम्हारी जिंदगी, वरना तो यार रहना जीने के लिए अंधेरे की जिंदगी। इस दुनिया के जिस कोने में है उजाला, ढूंढ लो अगर तो मिल जाएगा किनारा। अरे रे 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 ससुर का नाटी, एक ही बाजा कनवा में बजा बजा के दिमगवा झंडिया दिया है। अब की दोबारा बजाए ना तो सब बाजा बच्चे तोड़ फोड़ देंगे, कह देते हैं। पनवाड़ी अंकल कहाँ है आप? अरे बीट बिटवा, हम यहाँ है जहाँ एकदम अंधेरा है। पनवाड़ी अंकल, यहाँ हर तरफ अंधेरा है, आप दिख नहीं रहे। अले बील, मेरे भाई मेरे यार, तू आ गया हम सबको बताने। चल बील, तू ही अब निकाल हम सबको यहाँ से। बहादुर, पनवाड़ी अंकल, सर आप सब ठीक तो है ना? हम सब तो ठीक है। और पनवाड़ी प्रत्येक 2 घंटा बाद बाद बच्चा की तरह भैक भैक करके रहता है, अजब करता है। हम दोबारा इसका साथ कहीं नहीं जाएगा, एकदम बेकार लोग है। अरे ओ शिक्षक महाराज, हमारे दिमागवा खराब नहीं करिए, समझे? वरना बचपन दोनों के सामने गुट गुट के मारेंगे तो अच्छा लगेगा। ज्यादा फाटू मत बतियाइए। सर पनवाड़ी अंकल, ये वक्त लड़ाई का नहीं है, अभी हम सबको बाहर का रास्ता ढूंढना है। चलिए। बाप ले इतना छाला छोना। अरे पांडे सर के कुत्ता काटे इतना मनी सुना,
इका से तो हम पान का फैक्ट्री खोल सकते हैं। ओ माँ गो काचा सोना, अरे बाबा रे हम बड़ा लक हो गया, अरे हम खूब जोर बड़ा लक हो गया। ये ये क्या करेगा, हम कौन मला के भरेगा रे बाबा। रुकिए, ये एक चाल है, आप लोग कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे वरना हम लोग हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। अरे इतना धन दौलत मिल गया तो हम यहाँ पूरा जिंदगी बिता देगा। हमको नहीं जाना है घर, हम यहीं रहेगा, हम यहीं दौलत को लेकर रहेगा। शिक्षक जी ये बुजुर्ग लोग सही कह रहा, एक पल के खातिर हमारा भी नियत डगमगा गया रहा, लेकिन आप एक बारी सोच कर देखिए, ऐसा धन कौन काम का जी का खर्चा ही नहीं कर सकत। इस काला दुनिया में हम सभी का मन भी काला कर दिया है। शिक्षक जी ये बुजुर्ग लोगन का बात मान के हम लोगन को आगे बढ़े का चाहिए। चलिए चलिए आइए। जिनके अंदर कोई लोभ नहीं वो होते हैं अनमोल। स्वागत है तुम सबका खेल के दूसरे पड़ाव की ओर। अरे हम लोग कहीं उछरा का कहता है, बिग बॉस के घर में नहीं आ गए ना ससुरा, बहुत टप टप आ रहा है। ए, ए, ए पानवड़ी, ए तुम खुद को खूब मस्तान समझता है ना, हाँ समझता क्या है तुम खुद का, बोलता है बच्चा लोग का सामने गदगद के मारेगा। शिक्षक जी कसम कट्ठा चिन्ना की, अपन शकलवा उधर कर लीजिए, आपका शकलवा देख के हमका आरो जोर गुस्सा आ जा रहा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि टहका मार के मुहा दे। क्या रे रोते रोते चलाता है, बचाओ बचाओ ठेका लेके रखे है क्या सबको बचाने का, जब देखो नया नया मुसीबत खड़े करते रहते हो। बिल ये तू क्या कह रहा है, अरे चुप तोतला कहीं का, जवान तो चलती नहीं और दुनिया बचाने चला है। बिल तू ज्यादा बोल रहा है, मेरा हाथ उठ जाएगा, तेरा हाथ उठेगा तो फिर मेरा पाँव घुटना छाती सब उठ जाएगा, बोल रहे हैं। सॉरी बहादुर, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, और पनवाड़ी अंकल सर प्लीज आप लोग भी आपस में मत लड़िए, यही तो चाहता है ये कि हम लोग आपस में लड़ते रहें और कभी वापस ना लौट पाए, अपनी सारी जिंदगी इसी अंधेरे में गुजार दें, पर हम सबको दिखा देना है कि हम सबके जैसा एकता और किसी में नहीं। खत्म हुआ अब खेल तुम्हारा, चारों तरफ हो चाला, कोयले की कांच से निकला है देखो चमकता हुआ सितारा।